मसीहत में एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है प्रार्थना। क्या चीज है? प्रार्थना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि हमें किस रीत से प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि यीशु मसीह के चेले, यूहन्ना के चेले प्रार्थना कर रहे थे, तो यीशु मसीह से चेलों ने कहा, स्वामी हमें आप प्रार्थना करना सिखाइए, हमें भी प्रार्थना करना सीखना है। क्योंकि जो हमारी प्रार्थनाएं होती हैं वो किस तरीके की होनी चाहिए? आपको पता है कि परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं चलाने के लिए, इफिसियों अध्याय 6 और उसके 10 पद से पढ़िएगा, तो प्रभु ने हमें हथियार दिए हैं। दिए कि नहीं दिए? आप जानते कि वो हथियार हमारे जीवन के लिए वो क्या है? वो एक बचाव की ढाल है जो परमेश्वर हमें देता है, और हम उन हथियारों को अपने जीवन में उपयोग करने के लिए रखते हैं, शैतान को मारने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, शैतान को मारने के लिए। ध्यान से सुनना है, हमें परमेश्वर क्यों इन बातों को सिखाते हैं? हमें प्रार्थना करना सिखा ऐसा करके चेलों ने यीशु मसीह से कहा। आप जरा सोचिए, बहुत सारे लोगों ने कहा हमें प्रार्थना करना नहीं आता है, हमारी प्रार्थनाओं का बल कैसा होना चाहिए? आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में अच्छी रीति से समझाया है, और उसने कहा जो प्रार्थनाओं को करना जानता है वो प्रतिफल से वंचित नहीं होगा, जो प्रार्थना करता है वो प्रतिफल पाएगा। उसने तीन महत्वपूर्ण बातें कही हैं, तीन विषय पर महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पहला है दान के विषय में, दूसरा है प्रार्थना के विषय में, और तीसरा है उपवास के विषय में। ये बाइबल की तीन ऐसी बातें हैं जो हम सबके सामने दिखाने के लिए नहीं कर सकते। और जब मैं प्रभु के सामने बैठा हुआ था, इन चीजों के विषय में मनन कर रहा था, तो प्रभु ने कहा देख इन तीनों चीजों को, ये तीनों चीजें करने से हमारे जीवन में प्रतिफल आएगा, पर इसे हम लोगों को दिखा के नहीं कर सकते, इसे हम भीड़ को दिखा के नहीं कर सकते, इसे हम लोगों को दिखा के नहीं कर सकते। और पहले नंबर पे आता है दान, दूसरे नंबर पे आता है प्रार्थना, तीसरे नंबर पे आता है उपवास। और ये तीनों चीजें एक मसीही व्यक्ति का व्यक्तिगत बात है। क्या है ये? खुद का व्यक्तिगत एक ऐसी बात है जो हम दूसरों को नहीं दिखा सकते। अगर हम दान करते हैं परमेश्वर के लिए, उपहार देते हैं, हम दूसरों को नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर हम दूसरों को दिखाएंगे उसका बल टूट जाएगा, उसकी सामर्थ्य टूट जाएगी, उसमें का उसका असर खत्म होगा। हमारी प्रार्थनाएं दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, हमारी प्रार्थनाएं व्यक्तिगत हैं परमेश्वर के सामने। अगर हम प्रार्थना दूसरों को दिखाने के लिए करें तो हम प्रतिफल से वंचित होंगे। और तीसरा है उपवास करना, उपवास से भी प्रतिफल मिलता है। और ये तीनों चीज आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो आपके हर एक मसीहत के लिए इम्पॉर्टेंट है, हर एक विश्वास करने वाले विश्वासियों के लिए ये एक हथियार है। क्या है? ओके, ध्यान से सुनिएगा, जिन चीजों के बारे में बताया है वो एक महत्वपूर्ण हथियार है। यीशु कभी भी व्यर्थ बातों को अपने वचन में नहीं लाते हैं। ध्यान से सुनिए, यीशु कभी भी व्यर्थ बातों को आपको बांटना नहीं चाहते। यीशु जो कह रहे हैं वो एक बल है। बगल वाले से बोलिए, जो यीशु कह रहे हैं वो एक बल है, वो एक ताकत है। आमीन, हालेलुया। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों की समझ खोल दिया था, किस टाइम में? जब यीशु मसीह मर गए थे और वो जिंदा हो उठे थे। और लेकिन जब वो यीशु मसीह को देख रहे थे तो उन्होंने कहा ये भूत है, उन्होंने यीशु को भूत कहा, और उनमें घबराहट आ गई थी, उनमें चिंताएं आ गई थी, उनमें व्याकुलता आ गई थी। व्याकुलताएं, घबराहट, चिंताएं आपके अंदर के यीशु को खत्म करती हैं। आप जरा समझ के इसको समझिए, क्या प्रभु कहना चाहता है? इसका मतलब यीशु आपके जीवन के विषय में आपके विजडम को, आपके उस विवेक को इतना अग्रसर करना चाहते हैं कि आप जब परमेश्वर के वचन को लें वो एक सामर्थ्य बन जाए। आप जानते हैं कि आपके अंदर दिया जाने वाला वचन सामर्थ्य कहां पाता है? आपके शुद्ध विवेक में। कहां पे? अगर आपका शुद्ध विवेक नहीं है, आपका शुद्ध मन नहीं है, तो जो वचन दिया गया वो आपके अंदर टूट जाता है, वो आपके अंदर बलहीन हो जाता है। वही वचन जो मुर्दों को जिंदा करता है, वही वचन जो कोढ़ियों को शुद्ध करता है, वही वचन जो अंधे की आंखें खोलता है, वही वचन जो दुष्ट आत्माओं को बाहर करता है, वही वचन अगर शुद्ध मन में नहीं गया तो वो वचन आपके अंदर टूट जाएगा।
मतलब वचन निष्क्रिय हो जाएगा, वचन बलहीन हो जाएगा। और आप कहेंगे मैंने वचन ग्रहण किया पर मेरे लिए काम नहीं हुआ। क्यों मालूम है? क्योंकि आपने अपने जीवन के मनों को शुद्ध नहीं रखा। वो एक ऐसा जगह है जहां पर ये वचन दिया जाता है और हम विश्वास से आमीन के साथ उसे रिसीव करते हैं। और जब हम उसे अपने अंदर रिसीव करते हैं, ध्यान से सुनिए, वो निश्चित समय पर आपके लिए काम करने वाला है। एक शुद्ध मन में परमेश्वर का वचन शुद्धता के साथ बलवंत होगा, आमीन के साथ, हालेलुया। आप जानते हैं कि बहुत सारे मसीही लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं और उनका जीवन वहीं पे स्थिर है। तीन ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं, मैं जब पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझे अचानक कहा कि ये बाइबल की तीन ऐसी बातें हैं जो बाहरी रीत से दिखाई नहीं जा सकती। इसे आप दिखा के नहीं कर सकते। अगर आप इसे बाहर दिखाएंगे ये बलहीन हो जाएगा, ये टूट जाएगा। इसे हम केवल प्रभु को दिखा सकते हैं। और ये तीनों चीजें जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में करते हैं, ये तीनों चीजें हमें प्रतिफल देती हैं। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।